और जबकि स्टाफ मैनेजमेंट जो है वो डे टू डे एक्टिविटीज को। जी बेटा, आपको स्लाइड्स जो हैं वो थोड़ी देर में, अभी जैसे ही लेक्चर एंड होता है, आपको ये दोनों स्लाइड्स जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ वो दोनों भी PDF की फॉर्म में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो आप बेफिक्र रहें। यहाँ पे हम रोल डिफाइन करते हैं कि जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रोल्स क्या हैं। तो उनका काम विजन, मिशन और वैल्यूज को स्टैब्लिश करना है। उन्होंने डिटरमाइन करना है कि कंपनी का विजन और मिशन क्या होगा, ताकि उसी हिसाब से जो है उसके ऑपरेशंस को और फ्यूचर डेवलपमेंट को देखा जा सके। उसके अलावा उन्हीं का काम डिटरमाइन है कि किस किस्म का कल्चर, किस किस्म की वैल्यूज, किस किस्म की नॉर्म्स जो हैं कंपनी के अंदर जो है वो फॉस्टर करनी है। इसके अलावा हमने कंपनी के गोल्स को रिव्यू और डिटरमाइन करना है, ये भी इन्हीं का काम है। और इसके अलावा कंपनी की पॉलिसीज क्या होंगी, ये भी इन्हीं का ही काम है। सेट स्ट्रेटजी तो प्रेजेंट और फ्यूचर तमाम अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट और रिस्क को जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से देखना होता है। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो इंटरनली होती हैं उन्हें भी सामने रखना होता है, और उसकी बेस पे ही अपना एवेल्यूएशंस करनी होती है कि हमारी कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है। उसके अलावा फिर आपने बिजनेस की स्ट्रेटजीज और प्लान्स उसके मुताबिक बनाने हैं, जब आप एक दफ़ा स्वॉट एनालिसिस कर लेंगे। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की के स्ट्रक्चर और कैपेबिलिटीज उसके मुताबिक सेट करेंगे। क्या आपकी कंपनी को फ्लैट स्ट्रक्चर चाहिए जो, या हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर चाहिए, या वर्टिकल स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, या मैट्रिक्स स्ट्रक्चर चाहिए, ये सब जो है वो रिव्यू करने के बाद ही पता चलेगा। एक्सरसाइज अकाउंटेबिलिटी टू शेयर होल्डर्स, एक्सरसाइज अकाउंटेबिलिटी टू शेयर होल्डर्स एंड बी रिस्पॉन्सिबल टू द रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स। एक्सरसाइज करना अकाउंटेबिलिटी टू शेयर होल्डर्स, बी रिस्पॉन्सिबल टू रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स। ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स इनसे पूछ सकते हैं और दूसरे रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स के सामने भी जवाब दे समझते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन जो है वो शेयर होल्डर से डायरेक्टर्स के दरमियान और स्टेक होल्डर के दरमियान बेहतर होनी चाहिए। मॉनिटर करना जो भी रिलेशनशिप है शेयर होल्डर्स के दरमियान और स्टेक होल्डर्स के दरमियान, हम इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे ताकि पता चले कि हम एक ही पेज पे मूव कर रहे हैं कि नहीं। प्रमोट करना गुडविल को, सपोर्ट करना शेयर होल्डर्स को और रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को। डेलीगेट टू द मैनेजमेंट, आपने अपनी अथॉरिटी कुछ ना कुछ हद तक मैनेजमेंट को भी देनी है ताकि वो फ्रीडम और मोटिवेशन फील करें। आपका काम अपने अथॉरिटी को डेलीगेट करने के बाद सिर्फ मॉनिटरिंग वाला रह जाएगा कि आप देखेंगे कि मैनेजमेंट को जब पावर्स दी गई तो क्या उन्होंने उसका सही इस्तेमाल किया, प्लान्स ठीक बनाए, स्ट्रेटजी सही फार्मूलेट की। आप ये चीज़ें जो हैं वो चेक करेंगे। इसके अलावा जो भी मॉनिटरिंग क्राइटेरिया इस्तेमाल हो रहा है क्या वो अप्रोप्रिएट है, अगर नहीं तो उसमें चेंजेस लेकर आएंगे। इंश्योर करेंगे कि जो इंटरनल कंट्रोल्स हमने बनाए हुए हैं ताकि कंपनीज में कोई मिसहैप्स ना हो, फ्रॉड ना हो, स्कैम्स ना हो, क्या वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं और उन चेक्स एंड बैलेंसेस का फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं। कम्युनिकेट करना तमाम चीज़ें सीनियर मैनेजमेंट को, यानी टॉप मैनेजमेंट जो CEO CFO के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर एंड फंक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो एवरी लिस्टेड कंपनी को ये इंश्योर करना है कि स्टेटमेंट एथिक्स एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस जो है वो लाजमी बनी हुई हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उन्होंने विजन स्टेटमेंट को अडॉप्ट करना है। इसके अलावा ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बनानी है, फार्मुलेट करना है सिग्निफिकेंट पॉलिसीज, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह, मार्केटिंग के हवाले से, तो ये सब इनका काम है। इस्टेब्लिश करना इंटरनल कंट्रोल्स को, ये भी इन्हीं का काम है। डॉक्यूमेंट स्टेशन बाय रेजोल्यूशन पास,
जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जिन पे डिस्कशंस हो रहे हैं, उन सबके मिनट्स को डॉक्यूमेंट करना भी ज़रूरी है. डायरेक्टर्स जो है शैल एक्सरसाइज दी फॉलोइंग पावर्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. उनके पास क्या पावर्स हैं? मेक कॉल्स ऑन शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड और देयर शेयर्स, जितने भी अगर उनके पैसे बकाया उनको याद दहानी करवानी, उनसे लेना. शेयर और डिबेंचर्स को इशू करना, पैसों को बारो करना, इन्वेस्ट करना कंपनी के फंड्स को कहीं पे, लोन्स देना, इसके अलावा अप्रूव करना कुछ अकाउंट्स को, आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं एनुअली हाफ ईयरली क्वार्टरली उनको अप्रूव करना इनका काम है. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्योंकि अगर सारे बंदे एग्जीक्यूटिव साइड से आएंगे तो वो तो कंपनी की साइड ही लेंगे, तो कभी बायस्ड ओपिनियंस होंगी उनकी. तो अनबायसनेस करने के लिए हमें अपने बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को लाना पड़ता है. आउटसाइड डायरेक्टर्स भी नहीं कहते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या आउटसाइड डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एक ही बात है. ये वो मेंबर ऑफ द बोर्ड है डायरेक्टर जो कि आपकी एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट टीम का हिस्सा नहीं होता और वो एम्प्लॉय भी नहीं होता, ना उसकी किसी का लिंक होता है. ठीक है, सो वो इनसाइड डायरेक्टर्स से ज़रा मुख्तलिफ हैं क्योंकि क्योंकि मेंबर्स ऑफ द बोर्ड जो है, क्योंकि इनसाइड डायरेक्टर्स तो पहले से ही कंपनी के अंदर किसी किसी काम करके आए हुए होते हैं, क्या पता वो पहले कभी सीईओ रहा हो. ठीक है, इनसाइडर्स तो ऐसे ही होते हैं. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हिग्स की रिपोर्ट कमीशन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड पब्लिश इन 2003, उसमें मेंशन हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. स्ट्रैटेजी जो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं वो शुड कंस्ट्रक्टिवली चैलेंज एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रैटेजी. रिस्क इसमें क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं वो शुड सेटिस्फाई देमसेल्फ कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है और फाइनेंशियल कंट्रोल्स और सिस्टम और रिस्क मैनेजमेंट जो है वो डिफेंसिबल हैं, अच्छे हैं, रोबस्ट हैं. पीपल जो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ जो मुआवजा है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को पे किया जाए और सबका रोल क्लियर हो सके. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है वो अवॉइडेंस ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए जाहिर है उसको लाया गया है. इसके अलावा वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की राइट्स की प्रोटेक्शन है, वो जजमेंट को एक्सरसाइज करता है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इनके आने से बढ़ता है और उसके अलावा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं वो काउंटर बैलेंस करते हैं आपकी एग्जीक्यूटिव टीम को. अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. सो डायरेक्टर्स ऑफ द लिस्टेड कंपनीज जो हैं who has a direct or indirect interest in any contract or arrangement to which the company is or intend to be party must disclose the nature of this interest at a meeting of the directors. hai uska bhanja bhatija aa gaya ya ek aisi company wahan bid karne aa gayi hai jahan pe wo pehle kaam karke aaya hai to wo khud ko usse alag kar le. theek hai, where a director iska relative jo hai usme aisa interest ho to wo voting se ko pare kar le, ye jo hai wo hona chahiye. disclosure, in addition to the reporting on the financial statement and accounting notes, annual directors reports jo hai wo alag se publish honi chahiye jisme company ke affairs ki state ko properly explain kiya jaye, jitni bhi financial position mein changes hui hain unka zikr kiya jaye aur aapka business kis nature ka hai usko explain kiya jaye. अगर कोई लॉस अकर हुआ है तो उसे भी प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाए और इसमें जो है फ्यूचर प्रॉफिट का क्या चांस है उसके बारे में बिल है वो भी एक्सप्लेन करना. जो डेट डिफॉल्ट्स हैं वो भी आपने इसके अंदर डिस्क्लोज, कंपनी जो है उन्हें वो क्रिमिनली लायबल है, उनके ऊपर क्रिमिनल केस चले जाएगा अगर उन्होंने डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को पूरा ना किया. सो फिर कोड्स ऑफ कंडक्ट आ जाता है. जो आपके एसईसीपी का कोड है वो रिक्वायर करता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं लिस्टेड कंपनीज के तो वो अपना कोड ऑफ कंडक्ट विद विच द कंपनी एंड इट्स पर्सनल मस्ट ऑब्जर्व. वो उन्हें एक तो एसईसीपी ने दिया हुआ है, फिर कंपनी अपना भी उसी के मुताबिक बना के
अपने सारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में उसको जो है कम्युनिकेट कर देती है. नॉन कम्प्लायंस कॉन्स्टिट्यूट अ ब्रीच ऑफ द लिस्टिंग रूल्स और उससे कंपनी को डीलिस्ट भी किया जा सकता है. अपार्ट फ्रॉम द इशू रिलेटिंग टू टैक्सेशन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आर गवर्नड बाई द कंपनी लॉ. All such transactions must be shown to have been concluded on an arm's length basis. So SCPC code requires such transaction by the audit committee or board of directors. So इनको approve. So इतनी relevant. अब आपके पास मेजर ड्यूटीज आ गई हैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इसमें सबसे पहले तो है कि प्रोवाइड कंटिन्यूटी फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली, ताकि उसकी जो है वो किसी गलत प्रोजेक्ट में उनकी इन्वेस्टमेंट्स ना हो. उसके अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव्स को सेलेक्ट करना और अपॉइंट करना इन्हीं का काम है. उसके अलावा पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव्स बनाना ये भी इन्हीं का काम है. सफिशेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें ये भी इनका काम है. उसके अलावा स्टॉक होल्डर्स को जवाबदेह होना, ठीक है, वो भी इनका जो है वो काम है. इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे अब हम आ जाते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इन्होंने जो है ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और विजन को भी बताना है, टीम को बिल्ड करना है, सपोर्ट करना एग्जेक्टिव को, उनकी परफॉर्मेंसेस को मेजर करना है, ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग को जो है वो इंश्योर करना है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है, रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से मैनेज करवाना है, और इसके अलावा जो है डिटरमाइन और मॉनिटर करना है ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट सर्विसेज और प्रोग्राम्स को, इनहेंस करना है ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिक इमेज, कोर्ट ऑफ अपील के तौर पर आपको पेश कि अगर किसी को कोई इशू हो किसी के हवाले से तो इनसे अपील कर सकता है. परफॉर्मेंसेस को भी इन्होंने जांच करते रहना है. अच्छा, रूल ऑफ बोर्ड जो है वो 174 से लेकर 197A तक जो है कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रोल गिवन है. इस तरह 174 जो है वो किससे रिलेटेड है, वो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए वो 174 में मेंशन है. 175 में नेचुरल डायरेक्टर, यानी ऐसा नहीं है कि आप किसी बोर्ड को या किसी कंपनी को, यानी फॉर एग्जांपल हम HBL को एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ले हैं, मतलब एक डायरेक्टर के तौर पर ले हैं, ऐसा नहीं हो सकता. इदारा नहीं हो सकता, एक जीता जागता इंसान ही होना चाहिए, ठीक है. वंस ये कहता है कि फर्स्ट डायरेक्टर्स और उनकी टर्म के फर्स्ट डायरेक्टर्स वो होते हैं कि जब शुरू में कंपनी बनती है फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम जो लोग पहली दफ़ा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आते हैं उन्हें फर्स्ट डायरेक्टर कहते हैं. उनका 2 साल का टेन्योर होगा, 3 का, ये सब मेंशन है 176. 177 में रिटायरमेंट का प्रोसीजर जो है वो डिस्कशन है. 178 में उनका इलेक्शन कैसे होगा, मतलब फर्स्ट टाइम वाले तो खुद ही सिलेक्ट हो जाएंगे, वो फर्स्ट टाइम के बाद वाले जो होंगे वो वोटिंग के थ्रू होंगे, तो वो क्या क्या प्रोसीजर होगा, ये सब 178 में मेंशन है. 179 वाले क्लास में वो वाले सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं जिसमें इलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर्स जो है वो उसको हम नलिफाई कर देंगे, इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे, कुछ ऐसा मसला हुआ होगा. टर्म्स ऑफ ऑफिस यानी वो कितने अरसे, 3 साल के लिए आएंगे, 5 साल की मुद्दत के लिए आएंगे. डायरेक्टर को अगर रिमूव करना नॉमिनेट किया जा सकता है. 182 में ये बन है. 183 प्रोविजंस दी गई हैं जो कि डायरेक्टर एक्सपायर नहीं होती. 184 जो है कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, तो वो डायरेक्टर मतलब कोई उनके बिहाफ पे लिख के ना दे दे ये आज से हमारा डायरेक्टर, वो खुद भी अपनी स्टेटमेंट जो है वो लिख के दें कि हम राजी हैं, हम इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठने के लिए राजी हैं. 185 जो है वो वैलिडिटी ऑफ है उनके कब छुट्टी उनके कितनी ले सकते हैं उस हवाले से है. नहीं सॉरी, 188 में ये है कि उनसे अगर ऑफिस खाली कराना है आपने डायरेक्टर से तो उसका क्या तरीकाकार होगा. 189 में जो बंदा डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहा है और वो अनक्वालिफाइड है तो उस पर क्या जुर्माना आप लगाएंगे, उसका तरीकाकार है.
इसके अलावा अगर कोई डायरेक्टर बैंकरप्ट हो जाता है तो इनएलिजिबल हो जाएगा 190 में. 191 में रिस्ट्रिक्शन है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा कितना हो सकता है. रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है जी कि आप डायरेक्टर्स को जो ऑफिस असाइन करेंगे उस पर क्या रिस्ट्रिक्शन है, किस बंदे को कौन सा मतलब पोर्टफोलियो नहीं दिया जा सकता. 193 में प्रोसीडिंग्स ऑफ द डायरेक्टर्स हैं. 194 में लाइबिलिटीज हैं कि डायरेक्टर उनके ऑफिस क्या लाइबिलिटी है, जिम्मेदारियाँ क्या हैं. लोन्स टू द डायरेक्टर दिए जा सकते हैं तो कितने दिए जा सकते हैं. पावर क्या है उनकी. प्रोहिबिशन पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के हवाले से मतलब वो फंडिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों का मना है. और प्रोहिबिशन है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट भी नहीं कर सकते. सो ये सारे रूल्स जो हैं वो इसमें गिवन है. तो ये हम वन बाय वन अब जो फारोली अब देख सकते हैं इनको. 174 जो कहता है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के, तो कहते हैं कि कंपनी उस में डायरेक्टर होना चाहिए. इसी तरह 174 में बताया कि अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके लिए कम नहीं होने चाहिए डायरेक्टर. अगर पब्लिक लिमिटेड है लेकिन वो लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो फिर उसमें डायरेक्टर 3 से कम नहीं होने चाहिए. अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसमें 60 डायरेक्टर्स कम से कम होने चाहिए. ठीक है. सो इस तरह से ये रूल है 175 में जो लिखा था कि 175 सिर्फ एक जीता ज्यादा इंसान ही डायरेक्टर बन सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं डायरेक्टर बन सकती. फर्स्ट डायरेक्टर्स जो होते हैं, तो फर्स्ट डायरेक्टर्स जो हैं जो भी शुरू वाले सब्सक्राइबर्स होंगे आपके शेयर होल्डर्स जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर साइन किया होगा, आपके प्रमोटर्स हैं दूसरे लोग हैं, वही डिसाइड करेंगे फर्स्ट डायरेक्टर कौन होगा. फर्स्ट डायरेक्टर्स जो हैं जब तक पहली एनुअल जनरल मीटिंग में वोटिंग वो ऑफिस होल्ड करके रखेंगे. रिटायरमेंट जो है उन्होंने लिखा हुआ है कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जो होगी उसमें तमाम डायरेक्टर्स जो हैं वहाँ पे उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा. ठीक है, फर्स्ट डायरेक्टर्स को. प्रोसीजर फॉर इलेक्शन डायरेक्टर्स उन्होंने बताया, कोई बंदा जो बना पाओ वो रिटायर क्यों ना हो तो मीटिंग इलेक्शन के डायरेक्टर सॉरी मीटिंग से 14 दिन पहले उसको ये अपना जो है वो इंटरेस्ट बता देना चाहिए. ठीक है, पेपर अपने जमा करा दे. इलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर जो है इसको हायस्ट डायरेक्टर बन जाएगा, और इसी तरह से जो सेकंड नंबर पे आएगा वो भी डायरेक्टर बन जाएगा. इस तरह के जब तक आप जितने डायरेक्टर रखना चाह रहे हैं उतने पूरे हो जाए वहाँ तक सिलसिला चल जाएगा. 179 में वो सर्कमस्टांसिस जिसमें उनका इलेक्शन जो है वो हम नल एंड वॉइड कर देंगे, वो केस होगा कि अगर ऑन दी Members hold not less than 20% of the voting power in the company. अगर आपके मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें से 20% से ज़्यादा लोग ऑब्जेक्शन कर देते हैं आपके दिन के अंदर, भाई हम नहीं हैं इस चीज़ से, तो उसको इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया जाता है. अब इसमें लिखा हुआ है कि एक बंदा 3 साल के लिए जो है वो आ सकता है. रिमूवल अगर आपने करना है किसी भी का तो आप जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन लेकर आएंगे और उसको सेक्शन 176 के तहत और सेक्शन 180 के तहत जो है 3 साल पूरे हो गए अगर, या 3 साल से पहले उसे रिमूव कर देंगे. क्रेडिटर्स को भी नॉमिनेट किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो है क्रेडिटर्स को या किया जा सकता है. 183 में उन्होंने कहा जी कि नथिंग इन दिस सेक्शन वन जो है तो गवर्नमेंट जो है वो आ सकते हैं. डायरेक्टर टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार, तो उन्होंने वही कहा ना कि एक बंदे को आप सिर्फ कंपनी नॉमिनेट कर दीजिए, हमारा डायरेक्टर है खुद इसकी तरफ से एक फॉर एग्जाम्पल स्टाम्प पेपर पे लिख के वो देगा अंडरटेकिंग के भी मैं काम करने पर राजी. वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स जो है, नो एक्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर्स अटेंडेड बाय हिम शैल बी वैलिडेटेड मेरली ऑन द ग्राउंड द फैक्ट्स सबसिक्वेंटली डिस्कवर्ड इन कंसर्न टू सच ऑफिस. सो ये उसने कोई
कर दिया है तो आप उसे वैलिड ही मानेंगे, बाद में बेशक वो बंदा आपको ठीक नहीं लग रहा अब, लेकिन उसके जो पास हो चुके हैं वो आप नल नहीं कर सकते। पेनल्टीज जो हैं तो आप 10,000 तक का उस पर जुर्माना कर सकते हैं। इनएलिजिबिलिटी क्या है कि अगर एक बंदा 18 साल से कम है, अनसाउंड माइंड का है, इंसॉल्वेंट मतलब बैंकक्रप्ट है, इमोरल एक्ट्स मतलब रिस्क है, कोई फ्रॉड शॉर्ट में है और डिफॉल्ट कोर्ट ने उसे डिक्लेयर किया हुआ है डिफॉल्टर, या मेंबर ऑफ दी स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज है तो उससे डायरेक्ट नहीं बना सकते, उसे खाली कराना है। अगर ही एब्सेंट हिमसेल्फ 3 कंसेक्टिव मीटिंग में वो नहीं आएगा तो फिर हम उसे फारिग कर देंगे। अनक्वालिफाइड पर्सन एज अ डायरेक्टर तो आपसे 200 रुपये सिर्फ फाइन है जी, खाना बना हुआ है। बैंकक्रप्ट अगर बंदा वो भी नहीं एलिजिबल है, अगर एक बंदा जो है बीइंग एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट एक्ट एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैनेजिंग एजेंट ऑफ कंपनी तो उसको कैद भी होगी और जुर्माना भी होगा, 10,000 रुपये फाइन भी होगा। डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग अकॉर्डिंग टू ऑफ द कंपनीज आर्टिकल वो पे स्किल्स जो है उनसे ज़्यादा पैसे हम नहीं दे सकते उनको। उसके बाद असाइनमेंट ऑफ द ऑफिसर्स बाय द डायरेक्टर नो इफेक्ट अनलेस एंड अनटिल इट इज अप्रूव्ड बाय द सेशन, मतलब कंपनी की करारदाद एक पूरी पेश होगी उसके बगैर आप किसी को ऑफिस असाइन नहीं कर सकते। प्रोसीडिंग्स ऑफ द डायरेक्टर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शैल नॉट बी लेस देन 1, मतलब किसी भी मीटिंग के अंदर 1/3 मेंबर्स का होना या कम से कम 4 बंदों का होना जरूरी है, कोरम पूरा होगा तो काम चलेगा। लाइबिलिटीज जो हैं डायरेक्टर्स वगैरह की, उन्होंने कहा थी कि सारी उनके ऊपर हैं अनलेस के वो निग्लिजेंस की वजह से हो, डिफॉल्ट की वजह से हो, जिस तरह भी हो, वो सारी जो है इसमें शामिल हैं। पावर ऑफ द डायरेक्टर्स सारी पहले कर लें, बारो करना मैंने ये हम पहले पढ़ चुके हैं। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन एनी पॉलिटिकल पार्टी और पर्पज जो है वो आप नहीं कर सकते, या किसी पार्टी को इलेक्शन में फंडिंग कर रहे हैं आप नहीं कर सकते। गिफ्ट्स वगैरह कंपनी शैल नॉट डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट इन एनी फॉर्म इट्स मेंबर इन इट्स मीटिंग, तो ये सारी चीज़ें जो ना 5,000 का आपको जुर्माना होगा, सॉरी 5,500 है, 5 लाख 50 लाख 5 लाख का है। So accountability and audit, the director report regarding their responsibility for preparing the annual report is set out in the director's report and the independent auditor's report regarding their reporting responsibility. Audit committee mein composition kya hogi, frequency of meetings kitni hongi, term of reference kya hoga, reporting procedure kya hoga. To CFO key financial officer aur company secretary jo hain unki appointment aur approval karna, qualification of CFO aur company secretary aur board meetings ki requirement kya hain. So corporate and financial reporting framework जो है, the director's report to shareholders, frequency of financial reporting, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपने करनी है। सो मीटिंग ऑफ द बोर्ड का तरीकाकार यहाँ मैंशन है। सो आज के लिए बेटा जी यहीं तक, और कल हम इंशाल्लाह जो है वो नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड टिल 4 PM, मेरी तरफ से आज इतना ही था। तो थैंक यू वेरी मच, मैं आपके साथ ये जो है शेयर कर देता हूँ। Thank you very much. Allah Hafiz.